एवरीवन, आप देख रहे हैं मॉमिस्तान और मैं हूँ आपकी दोस्त नाजिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप firstcry.com से शॉपिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं और कैसे आप डिफरेंट जो ऑफर्स एंड डील्स होती हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं, कूपन्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपके पास फर्स्ट क्राई का ऐप डाउनलोडेड नहीं है तो उसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, जिसके लिए आप किसी भी ऐप की तरह प्ले स्टोर आप ओपन करेंगे। प्ले स्टोर में जाके आपको फर्स्ट क्राई टाइप करना होगा। तो फर्स्ट क्राई मैंने टाइप किया है और ये हमारा फर्स्ट क्राई का ये ऑप्शन खुल गया है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, जिसको आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मेरे में इंस्टॉल नाउ ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है और अनइंस्टॉल का आ रहा है। तो आप यहाँ पर चाहे तो इंस्टॉल करने के बाद ओपन यहीं से कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपका ऐप डाउनलोडेड है वहाँ पर जाएँ और वहाँ से आपने क्लिक कर दें। तो ये हमने ओपन कर दिया अपने फर्स्ट क्राई के ऐप को, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें लॉगिन करूँगी, तो जिसके लिए आपको टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में ये तीन लाइंस जो नज़र आ रही हैं उस पर क्लिक करना है। तो इसमें आपको दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है, उसको आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, आपका अकाउंट क्रिएटेड ऑलरेडी नहीं है फर्स्ट क्राई पे, तो आप सबसे पहले रजिस्टर का ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर में आपको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है, कोई पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर रीटाइप करना उस पासवर्ड को और आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह आप फेसबुक या गूगल प्लस से भी रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड यूज़र हूँ, इसलिए मैं लॉगिन का ऑप्शन पे जा रही हूँ। लॉगिन के ऑप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी वगैरह जिससे मैंने रजिस्टर किया था वो डाल देती हूँ। तो ये मेरा लॉगिन हो गया अकाउंट फर्स्ट क्राई पे। अब आपको बिल्कुल सामने में जो फ्रंट पे स्लाइड शो होता हुआ दिख रहा है वो बेसिकली जो डेली ऑफर्स आते रहती फर्स्ट क्राई पे वो हैं, जैसे कि आपको अभी इस वक्त दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे कि फर्स्ट क्राई के गियर्स पे जो है वो फ्लैट 40% तक ऑफ है। इसके अलावा डाइपर्स पे सेल चल रही है फ्लैट 40% ऑफ, और इसके अलावा अप टू 70% ऑफ है। तो ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे जो है इस तरीके के ऑफ़र्स हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। तो आप जो है वो इन ऑफ़र्स पे क्लिक करके आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ऑफ़र अवेल करके दिखाऊंगी किस तरीके से जो कूपन्स एंड ऑफ़र्स होते हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। ऑफ़र्स जो दिखाई दे रही हैं उनमें से हम एक सिलेक्ट करते हैं, अप टू 70% ऑफ में देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर और सब ऑफ़र्स हैं, यानी कि और भी डिफरेंट ऑफ़र्स हैं इसके अंदर, 40%, 50, 60, 70 और ये एक फ्लैट 40% ऑफ भी है ऑन इंटायर रेंज। यानी तो इसको हम क्लिक करके देखते हैं। तो इसमें रूल्स में लिखा है कि सभी अप्रैल्स पे और फुटवेयर पे, फैशन एक्सेसरी पे ये ऑफ़र है, और कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स बेसिकली खाने पीने के जो ब्रांड्स होते हैं उनको छोड़ के ये सभी कपड़ों पे ऑफ़र है। तो हमारा ये कूपन जो है हमारे प्रोडक्ट पे अप्लाई हो जाना चाहिए, इसके लिए हम क्लिक टू कॉपी कर रहे हैं। कूपन जो है वो कॉपी हो गया है। अब तो ये आपने देखा किस तरीके से आप कूपन्स एंड डील्स को आप कॉपी कर सकते हैं। इसका हम यूज़ जो है बाद में करेंगे जब हम परचेज़ करके आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में जाकर आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सर्च कर सकते हैं। नीचे कैटेगरीज़ दी हुई हैं, कैटेगरी वाइज भी आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि बेबी गर्ल फैशन, बेबी बॉय फैशन, या 2 इयर्स प्लस के बच्चों का फैशन है, फुटवेयर है, या फिर डाइपरिंग, या बेबी स्किन केयर, फीडिंग एसेंशियल, या हेल्थ एंड सेफ्टी, मॉम एंड मेटर्निटी, या बर्थडे के गिफ्ट्स वगैरह, उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं। जिन ऑप्शन में से आप जो भी आपका जो सिलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। एक और तरीका है ऑप्शन चूज़ करने का, वो है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड में टॉप जो आपने रजिस्टर के टाइम क्लिक किया था उसको फिर से क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम जो डिफरेंट कैटेगरीज़ आपने अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं होम स्क्रीन पे, वो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको होम स्क्रीन पे जो कैटेगरीज़ हैं उनमें से जाके दिखाती हूँ। तो ये गर्ल फैशन में जा रही हूँ मैं, बेबी गर्ल फैशन को मैंने क्लिक कर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि और भी सब कैटेगरीज आ गई हैं, फुटवेयर, क्लोथ, एक्सेसरीज़। तो मान लीजिए मैंने क्लिक किया है बेबी गर्ल क्लोथ,
अब बेबी गर्ल क्लोथ्स में जो है मैं एज सिलेक्ट कर देती हूँ, 18 to 24 months मैंने सिलेक्ट किया। अब इसमें ड्रेसेस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ड्रेसेस है, एथनिक वेयर है, पार्टी वेयर है, वन सीजन रॉम्पर्स, फ्रॉक्स एंड ड्रेसेस वगैरह। मान लीजिए मैं फ्रॉक्स मुझे देखनी है तो मैं फ्रॉक्स एंड ड्रेसेस कुछ सिलेक्ट कर देती हूँ। तो ये 18 to 24 एज ग्रुप के अकॉर्डिंग फ्रॉक्स एंड ड्रेसेस आ गई हैं, ये मैं देख सकती हूँ। और आप यहाँ पर एक और इसको सब फिल्टर मतलब और भी ज़्यादा रिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी सर्च। ये फ़िल्टर का जो नीचे में ऑप्शन है राइट हैंड साइड में, उसको क्लिक कर दीजिए। तो अपनी सर्च को आप रिफ़ाइन करने के लिए, मान लीजिए आपको प्राइस रिफ़ाइन करना है, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर रेंज में ही देखना है, जैसे कि 250 से 500 की रेंज का आपको देखना, वो मैंने क्लिक कर दिया। अब जो है आपको इसमें और भी ऑप्शंस हैं रिफ़ाइन करने के सर्च, जैसे कि आप कलर चूज़ कर सकते हैं, स्लीव्स, पैटर्न, मटेरियल वगैरह जो भी आप चाहें चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अप्लाई कर देती हूँ मैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये 250 से 500 की रेंज के ही अब फ्रॉक्स एंड ड्रेसेस मुझे दिखेंगे, तो इसमें से जो चाहे मैं चूज़ कर सकती हूँ। अब इसमें एक और चीज़ है, जब आपको कोई चीज़ मान लीजिए अभी नहीं ख़रीदनी, कुछ टाइम बाद आप ख़रीदना चाहते हैं, तो उसको आप शॉर्ट लिस्ट करके रख सकते हैं। कैसे? हर एक प्रोडक्ट के आपको नीचे में राइट हैंड साइड में एक हार्ट जैसा दिख रहा होगा, उस हार्ट को आपको बस क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये राइट हैंड साइड में ऊपर में जो ड्रेस है वो मतलब मुझे शॉर्ट लिस्ट करना है ये, इससे तो मैंने इसको हार्ट को क्लिक कर दिया। अब इसी तरह मैं एक और ड्रेस को हार्ट क्लिक कर देती हूँ, ये मैंने ये दूसरी ड्रेस को भी हार्ट को क्लिक कर दिया, तो ये हमारी मेरी जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऊपर में हार्ट एक दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में टॉप में, उस हार्ट में ये काइंड ऑफ शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, सेव हो जाता है। तो ये मेरा यहाँ पर मैंने पहले भी एक बार एक फ्रॉक सिलेक्ट करके शॉर्ट लिस्ट करके रखी हुई थी, तो मैं जब चाहे इसको शॉर्ट लिस्ट में, जब तक ये स्टॉक में है ये प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ से परचेज कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैं चली जाती हूँ, यहाँ से ही मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से बैक जाके। मान लीजिए ये फ्रॉक मुझे ख़रीदनी है तो मैंने इसको क्लिक किया। अब आपको इसकी डिटेल्स देखने हैं तो आप इसकी फ़ोटो को स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से, तो आपको इसका बैक, इसका फ्रंट और जूम्ड ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा। इसी तरह आपको कोई मान लीजिए एज वगैरह चेंज करना है या साइज़ हेल्प यानी कि साइज़ चार्ट देखना है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोडक्ट और ब्रांड इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको प्रोडक्ट का डिटेल देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का सारा डिटेल आ जाएगा। बैक कर रही हूँ मैं। एक और तरीका है इसमें प्रोडक्ट को चूज़ करने का, तरीका दिखाऊंगी प्लस मैं एक शॉपिंग आपको प्रोडक्ट करके दिखाऊंगी। वो है कि ऊपर में आपको मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा दिख रहा है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ऊपर में, उसको आपको क्लिक करना है। तो बेसिकली ये सर्च ऑप्शन है, इसमें आपको ट्रेंडिंग सर्चेस के ऑप्शन के लोग क्या ज़्यादातर अभी इस वक्त सर्च कर रहे हैं वो भी ऑप्शन दिख जाएंगे, और आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं। तो मुझे फ्रॉक सर्च करना है तो मैं फ्रॉक्स कर दे रही हूँ, तो ये मैंने सर्च में डाला तो ये सारे ऑप्शन आ गए फ्रॉक के। अब मैं इसे फ़िल्टर करूँगी। अब मैं इसमें एज डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा बड़े बच्चे के लिए चाहिए तो मैं डाल रही हूँ 6 ईयर, उसका एज ग्रुप में डाल दिया है। और प्राइस रेंज मुझे कम घर में पहनने वाले चाहिए तो मैं 250 to 500 और 0 to 250 इसको क्लिक कर दिया। अब मैं अप्लाई कर देती हूँ तो ये सारे ऑप्शन आ गए हैं इस प्राइस रेंज वाले फ्रॉक के, इस एज ग्रुप के लिए जो भी मैंने चूज़ किया है उस एज ग्रुप का। तो मान लीजिए मुझे ये फ्रॉक लेनी है, ऐड टू कार्ट कर दिया है, तो मिनिमम ऑर्डर इनका कम से कम 500 होना चाहिए, तो मैं एक और फ्रॉक को डाल देती हूँ। तो मान लीजिए ये रेड वाली फ्रॉक भी मुझे डालनी है तो कार्ट में सिलेक्ट करके, तो ये दो फ्रॉक्स जो है मेरी कार्ट में चली गई हैं। अभी इसमें 32 एक में ऑफ है, एक में 10% ऑफ है, तो मैं जो है मैंने कूपन जो कॉपी किया था 40% ऑफ वाला वो मैं यहाँ पर फिर ट्राई करूँगी। तो प्लेस ऑर्डर में मैं जाती हूँ और फिर ये अपना एड्रेस आपने डाल दिया है और फिर जो मैंने कॉपी किया था कूपन उसको मैं अप्लाई कूपन में जा रही हूँ, वहाँ पर फिर से मैं प्रेस करूँगी और पेस्ट कर दूँगी। नीचे आप अमाउंट देख सकते हैं, फाइनल पेमेंट में 831 रुपीज़ दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर देती हूँ, तो अप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं 40% हो गया हमारे दोनों प्रोडक्ट्स पे। तो हमारा पेइंग अमाउंट जो है वो अब हो गया 660 रुपीज़ जो कूपन अप्लाई करने के बाद हो गया। अब हम गो टू फाइनल पेमेंट में जा रहे हैं, तो इसमें आप ऊपर में देख सकते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऑप्शन है,
या फिर कैश ऑन डिलीवरी, पेपाल या नेट बैंकिंग है, पेटीएम या अन्य जो ऑप्शंस वगैरह इसमें दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन सुटेबल है वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कैश ऑन डिलीवरी चूज़ कर रही हूँ। ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी चूज़ कर लिया है और अब मैं पे नाउ कर देती हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। ऑर्डर डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट एंड डिलीवरी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्राई पे अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं और ऑफर्स एंड कूपन्स अवेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्राई शॉपिंग से रिलेटेड इन्फो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मोमिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय। मोमिस्तान को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नए वीडियोस देखने के लिए घंटे का बटन दबाना ना भूले।